नमस्कार दोस्तों, व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छी कर रहे होंगे और अपनी लाइफ भी एंजॉय कर रहे होंगे। सो आप सभी का, सभी को शिक्षा में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक होगा ट्रांसक्रिप्शन पार्ट टू, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए पार्ट टू। पार्ट वन में हमने पढ़ लिया था कि कैसे हम प्राइमर, मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट होती है, टर्मिनेशन साइट होती है, उस पर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, उसके सारे हमने मेन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के विषय में देख लिया था। आज हम इसका एक्चुअली जो मैकेनिज्म है, किस तरीके से डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड से हमारा आरएनए बनेगा, वो देखेंगे। ओके, सो आई विल इंट्रोड्यूस अगेन कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं, सेंट्रल डॉगमा पढ़ रहे हैं डीएनए आरएनए और प्रोटीन का, दैट इज रेप्लिकेशन। डीएनए टू डीएनए जो फॉर्म होता है उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं, डीएनए से आरएनए जो फॉर्म होता है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, आरएनए से प्रोटीन फॉर्म होगा उसको ट्रांसलेशन बोलेंगे। रेप्लिकेशन में डीएनए टू डीएनए कैसे बनेगा वो हम पढ़ चुके हैं। ट्रांसक्रिप्शन का फर्स्ट पार्ट, इसमें किस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक आरएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है। आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है? ये डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज एंजाइम होता है। इसमें बीटा, अल्फा और सिग्मा यूनिट्स होती हैं। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस ट्रांसक्रिप्शन? सो हमने पढ़ा था कि ये प्रमोटर साइट होती है, ये ट्रांसक्रिप्शन साइट होती है, ये टर्मिनेशन साइट होती है, ऐसे हमने पूरा स्ट्रक्चर देखा था। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर जाता है, यहाँ से एक फिर आरएनए का निर्माण होता है। ये टर्मिनेशन साइट होती है, यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज क्या हो जाता है, रिलीज आउट हो जाता है। सो अगर आपको ये तो बहुत ब्रीफ है, समझ नहीं आएगा इससे, ट्रांसक्रिप्शन पार्ट फर्स्ट सभी को शिक्षा में आप ये चैनल वीडियो देखिए तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर आप इस वीडियो को भी एंजॉय कर पाएंगे, अपने दिमाग में पूरी तरह से बिठा पाएंगे, ठीक है। सो एंथ्रोपोलॉजी में बेसिकली जो डीएनए से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको सबसे पहले मैं कवर करूंगी, फिर पूरा एंथ्रोपोलॉजी कवर करूंगी, उसके बाद बायो के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो रहेंगी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लिए वीडियो रहेंगी, तो ये पूरे आपके लिए एक पैकेज बन के आएगा। सो लेट वी स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन पार्ट टू ऑफ आरएनए। ओके, सो सबसे पहले साइंस में आपको जब भी कुछ चीज समझनी है आपको डायग्राम आना ही चाहिए, और इवन आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो आपको डायग्राम बनाना ही चाहिए, वो ज्यादा बेहतर रहता है। सो व्हाट वी आर सीइंग हियर, दिस इज द डीएनए। आप सभी को पता होगा डीएनए का एक स्ट्रैंड 3 प्राइम से स्टार्ट होगा तो दूसरा स्ट्रैंड 5 प्राइम से स्टार्ट होगा, राइट? सो यहाँ पे हम देख रहे हैं, चलो डीएनए तो स्टार्ट हो गया, ये एक बबल जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बबल जैसी स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे, मैंने बताया था ये वाला जो ऊपर वाला स्ट्रैंड होगा जिसे हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, दूसरे वाले स्ट्रैंड को ट्रांसक्रिप्शन में टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे। अब ये बबल क्यों बन रहा है? ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट आउट हो गए और एक बबल बना लिया, ठीक है। जब कोई चीज ऐसे है, जब आप इसको खोलोगे तो ऑब्वियसली ब्रेक, मतलब ब्रॉड होगी, लाइक बलून है उसमें हवा भरते हैं तो वो एकदम सेपरेट हो जाता है। जब हमने इसको सेपरेट आउट किया तो जब मान लीजिए रस्सी ऐसे करके आपस में वाइंडिंग फॉर्म में रहती है, जब उसको हम क्लोज ओपन करते हैं तो वो थोड़ी सी लूज होके उसका बड़ा स्ट्रक्चर बनता है, सेम लाइक हेयर। तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही अटैच हुआ, यहाँ पे जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज अटैच हुआ, ये क्या हुआ, अनवाइंड हो गया। अनवाइंड होने के बाद क्या हुआ, ये इसके जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होने शुरू हो गए, बॉन्ड्स ब्रेक होने शुरू हो गए, तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है यहाँ पे उसे बोलते हैं डीएनए आरएनए हाइब्रिड रीजन। इसको क्या बोला जाता है, डीएनए आरएनए हाइब्रिड रीजन। इस डीएनए आरएनए हाइब्रिड रीजन में जो डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड है, यहाँ पर पॉलीमरेज क्या करेगा, अपने न्यूक्लियोटाइड ऐड करना शुरू कर देगा 3 प्राइम रीजन पे। किस रीजन पे, क्योंकि 5 प्राइम है, 3 प्राइम रीजन पे न्यूक्लियोटाइड ऐड करना शुरू कर देगा। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मैं सब डीएनए वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ, वहां पे आपको क्लियर रहेगा। ये ऐड करना शुरू होगा तो ये जो स्ट्रैंड आपको ग्रीन वाला दिख रहा है, ये आरएनए बनना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड्स बनने लग जाएंगे बेस पेयर्स में। बेस पेयर सभी को पता है ना, जो सीजी और आरएनए में यू होता है,
उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने शुरू हो जाएंगे. सो न्यूक्लियोटाइड बीइंग एडेड टू द 3' एंड ऑफ आरएनए, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड और कुछ प्रोटीन्स आके ऐड होंगे तो अपने आप में एक आरएनए बन जाएगा. उसके बाद टर्मिनेशन साइट पे आरएनए फिर इसको बाइंड करना शुरू करेगा, आरएनए पॉलीमरेज रिलीज हो जाएगा और हमें फाइनली एक आरएनए प्राप्त हो जाएगा. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. इसमें हमें एक चीज ये समझनी है कि जैसे रेप्लिकेशन के लिए प्राइमर की जरूरत होती थी, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के लिए प्राइमर की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली स्टार्ट होता है आरएनए पॉलीमरेज से. सो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डीएनए आरएनए हाइब्रिड रीजन कह सकते हैं, डीएनए हाइब्रिड बबल, डीएनए आरएनए हाइब्रिड बबल बोल सकते हैं. और जब इसका प्रोसेस हो जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज रिलीज आउट हो जाता है, अनवाइंड हो जाता है, और ये हमारा आरएनए का जो फ्रेगमेंट है ये भी इससे सेपरेट आउट हो जाता है, और डीएनए जो ये बबल स्ट्रक्चर है फाइनली दोबारा से अपनी शेप में आ जाती है. ऐसे करके ये बबल भी खत्म हो जाता है. ठीक है, तो दैट इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. अब हम यहाँ पे थोड़ा थ्योरेटिकल देख लेते हैं. ट्रांसक्रिप्शन के बेसिक प्रोसेस को डिवाइड किया गया है 3 parts में. व्हाट इज 3 parts? इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन. सो ट्रांसक्रिप्शन इज डिवाइडेड बेसिकली इनटू द 3 basic parts. इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन. इनिशिएशन स्टार्ट करना, इलोंगेशन बड़ा करना, टर्मिनेशन उस चीज को समाप्त करना. सो हेयर आई हैड मेंशन ऑलरेडी इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ये पूरा प्रोसेस है. इसमें क्या देखेंगे, आई हैड रिटन इन वेरी शॉर्ट फॉर्म, मैंने इसको बहुत छोटे फॉर्म में लिखा है. सॉरी, ये आरएनए होगा, यहाँ पे ये उल्टा हो गया है, ये आर एन ए होगा. ओके, सो आर एन ए पॉलीमरेज इज फर्स्ट स्टेप. इसका मतलब है फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले आर एन ए पॉलीमरेज आके अटैच होगा डीएनए स्ट्रैंड से. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप एट विच आर एन ए पॉलीमरेज अटैच टू द डीएनए स्ट्रैंड. सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा आर एन ए पॉलीमरेज आके डीएनए स्ट्रैंड से अटैच होगा. सेकेंड, इट बिगेन सिंथेसिस ऑफ आर एन ए एंड पेयर्स पेयर्स द बेस पेयर ऑफ एन इनकमिंग राइबो न्यूक्लियोसाइट. ये क्या करेगा, ये आरएनए को सिंथेसिस करेगा और जो आने वाले न्यूक्लियोसाइड हैं उनके जो बेस पेयर्स होंगे उनको क्या करेगा, आपस में जोड़ेगा. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप हो गया आरएनए पॉलीमरेज जुड़ गया, दूसरा स्टेप हो गया ये आरएनए सिंथेसिस करेगा और इसके जो राइबो न्यूक्लियोसाइड होंगे उनमें पेयरिंग बनाएगा, बेस पेयरिंग बनाएगा. राइट, थर्ड इज इंपॉर्टेंट थिंग, नो प्राइमर इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस. सो ट्रांसक्रिप्शन के लिए किसी भी प्राइमर की आवश्यकता नहीं होती. एंड जो आरएनए पॉलीमरेज होता है उसका मैंने आपको बताया है कि इस एंजाइम में बेसिकली बीटा एंड अल्फा यूनिट्स होती है, लेकिन सिग्मा यूनिट इसमें जब आके अटैच होती है, जब इसे ऐड होता है तो सिग्मा यूनिट इनिशिएशन स्टार्ट करके रिलीज्ड आउट हो जाती है, सेपरेट आउट हो जाती है. द सिग्मा सब यूनिट इज यूजली रिलीज्ड आफ्टर इनिशिएशन. जैसे ही इनिशिएशन होगा सिग्मा जो सब यूनिट है वो रिलीज्ड आउट हो जाएगी, सेपरेट आउट हो जाएगी. किससे, आरएनए पॉलीमरेज से. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा, इनिशिएशन में जो आरएनए पॉलीमरेज है वो अटैच होगा सबसे पहले, उसके बाद आरएनए सिंथेसिस हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा राइबो न्यूक्लियोसाइड में, इसमें प्राइमर की जरूरत नहीं होती है इनिशिएशन में, और सिग्मा सब यूनिट जो है वो क्या होगी, वो रिलीज्ड आउट हो जाएगी इनिशिएशन के बाद. तो बेसिक 4 points आपको अपने ध्यान में रखने हैं, इसी से आप ब्रॉड करके अपने एग्जाम में लिख सकते हैं इनिशिएशन में. इनिशिएशन इज क्लियर. नाउ व्हाट इज थिंग, इलोंगेशन. इलोंगेशन मतलब चीज को बड़ा करने वाला. सो इसमें क्या है वो देखते हैं. डीएनए आरएनए ट्रांसक्रिप्ट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन बबल. ये जो डीएनए आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है इसको ट्रांसक्रिप्शन बबल बोलते हैं, बबल. ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज आरएनए डीएनए बबल. सो डीएनए आरएनए ट्रांसक्रिप्ट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन बबल. आफ्टर इलोंगेशन ऑफ आरएनए चेन आरएनए मॉलिक्यूल पील्स अवे. ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं. आरएनए मॉलिक्यूल होगा वो सेपरेट आउट हो जाएगा फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट. इसमें क्या होगा, जैसे ही
इस चेन ये बढ़ेगी, आरएनए की चेन, ये जो आरएनए मॉलिक्यूल है इससे सेपरेट आउट हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, सेपरेट आरएनए मिल जाएगा डीएनए, इस डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड से ये आरएनए क्या होगा, ये सेपरेट आउट हो जाएगा। एंड डीएनए हेलिक्स रिफॉर्म, और ये जो डीएनए हेलिक्स होगा ये दोबारा से, यहाँ पे हम लिख देते हैं दोबारा से, ये जो डीएनए हेलिक्स है ये अपनी शेप में आ जाएगा, ओके, रिफॉर्म हो जाएगा। सो व्हाट इज फाउंड इन द इलॉन्गेशन, इसमें डीएनए आरएनए जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको डीएनए आरएनए बबल बोलेंगे। उसके बाद जैसे ही आरएनए चेन बढ़ेगी, न्यूक्लियोटाइड की चेन, आरएनए पील ऑफ हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, अपने आप में एक आरएनए बन जाएगा, और डीएनए हेलिक्स, जो डीएनए हेलिक्स है वो रिफॉर्म हो जाएगा। आपने इनिशिएशन देख लिया, इलॉन्गेशन देख लिया, जब हमने कोई चीज स्टार्ट करी है तो उसे खत्म भी करना चाहिए, हम आधी अधूरी नहीं छोड़ सकते हैं चीजों को, उनकी जगह पे व्यवस्थित करके सेपरेट करेंगे। सो थर्ड पॉइंट इज द फर्स्ट इनिशिएशन, सेकंड इलॉन्गेशन, थर्ड इज टर्मिनेशन। सो टर्मिनेशन में क्या होगा, द डीएनए आरएनए हाइब्रिड हेलिक्स विद इन द ट्रांसक्रिप्शन बबल डिसोसिएट एज आरएनए पॉलीमरेज रीचेस टू द टर्मिनेटर सीक्वेंस। इसके लिए मैंने कहा था प्रीवियस वीडियो देखने जरूरी है, यहां पर होता है टर्मिनेटर सीक्वेंस। जैसे ही हमारा आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर सीक्वेंस पे पहुंचता है, ठीक है, उसके बाद जो डीएनए आरएनए हाइब्रिड कॉम्प्लेक्स है ये आपस में क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर सीक्वेंस पे पहुंचेगा, डीएनए और आरएनए स्क्रिप्ट है वो आपस में सेपरेट हो जाएंगी, डीएनए अपनी शेप में आ जाएगा, आरएनए निकल जाएगा, ठीक है। सो द आरएनए पॉलीमरेज सेपरेट फ्रॉम द डीएनए, इस तरह से आरएनए पॉलीमरेज भी डीएनए से क्या हो जाता है, काम खत्म हुआ, आप अपने घर, हम अपने घर, हमें प्रोडक्ट बनाना था, हमने बना दिया, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज भी क्या करेगा, सेपरेट आउट हो जाएगा किससे, डीएनए से, राइट। एंड द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए रिवाइंड, अनवाइंड होता है खोलना, रिवाइंड मतलब जोड़ना। इसके बाद क्या होगा, जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो दोबारा से रिवाइंड हो जाएगा, राइट। अब ये रिवाइंड हो जाएगा एंड आरएनए चेन गेट रिलीज्ड, आरएनए चेन रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो टर्मिनेशन में आपने क्या देखा कि जो डीएनए आरएनए हाइब्रिड हेलिक्स हैं, जो बबल है, जब वो आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेशन साइट पे पहुंचता है तो वो सेपरेट आउट होते हैं, डीएनए रिवाइंड हो जाता है, दोबारा से अपनी शेप में आ जाता है, आरएनए अलग हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज भी सेपरेट आउट हो जाता है। हमने दो चीजों को मिलाया, हमने डीएनए को आरएनए, लाइक दिस इज डीएनए, ये आरएनए पॉलीमरेज है, इन्होंने एक थर्ड चीज बनाई आरएनए। अब इन तीनों चीजों को अलग होना है टर्मिनेशन साइट पे, डीएनए अलग, आरएनए पॉलीमरेज अलग, और आरएनए तो अलग होगा ही, दो चीज मिलाई बनी क्या, तीन, ठीक है। तो आरएनए अलग हो गया, बट प्रोकैरियोट्स में आरएचओ, रो प्रोटीन जो होता है वो जरूरी होता है टर्मिनेशन के लिए, सेम प्रोसेस रहेगा, लेकिन आपको ये याद रखना है इन द प्रोकैरियोट्स आरएचओ रो प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर द टर्मिनेशन। सो इट इज कॉल्ड रो प्रोटीन डिपेंडेंट टर्मिनेशन प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि रो प्रोटीन जरूरी होती है टर्मिनेशन के लिए, इसीलिए उसके टर्मिनेशन को बोला जाता है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूकेरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। सो इन प्रोकैरियोट्स रो प्रोटीन रिक्वायर्ड रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, इसलिए इसको बोला जाता है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। और एक और डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स में आरएनए कॉल्ड पॉलीसिस्ट्रोनिक आरएनए, इसमें जो आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन के बाद उसको बोला जाता है आरएनए डिपेंड, इसको बोला जाता है पॉलीसिस्ट्रोनिक आरएनए, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। तो आपने यहाँ टर्मिनेशन, आपने यहाँ ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ लिया और प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स में डिफरेंस भी देख लिया। आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल। फर्स्ट आपको प्रोकैरियोट्स में यही डिफरेंस समझना है, रो डिपेंडेंट प्रोटीन टर्मिनेशन होता है, रो प्रोटीन जरूरी होती है, दूसरा पॉलीसिस्ट्रोनिक आरएनए बनता है, एंड थ्री मेन स्टेप्स इज फाउंड इन द ट्रांसक्रिप्शन, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। ओके, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन में हमने क्या किया, डीएनए पॉलीमरेज को अटैच किया, डीएनए पॉलीमरेज इनको सेपरेट आउट करेगा, आरएनए डीएनए हाइब्रिड रीजन बनेगा, आरएनए बनना शुरू हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड ऐड होनी शुरू हो जाएंगे थ्री प्राइम एंड पे, जैसे ही बननी शुरू होंगी टर्मिनेशन साइट पे पहुंचेगा ये आरएनए पॉलीमरेज, तो डीएनए अपनी शेप में आ जाएगा, आरएनए सेपरेट आउट हो जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज भी निकल जाएगा, ठीक है। एंड थ्री, दो प्रोडक्ट को जोड़ने से तीसरा प्रोडक्ट बना, एंड जैसे ही सबका अपना अपना काम खत्म हुआ, सब अपनी शेप में आ गए,
ठीक है, हम अपने ऑफिस जाते हैं, किसी पर्पज के लिए जाते हैं, हम आउटपुट देते हैं, कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, हम वापस से घर आते हैं, तो वही सेम प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का. तो आई होप ट्रांसक्रिप्शन का जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आज आपको समझ आ गया होगा. आप लोग बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड आप इसी तरह से अपने व्यूज, अपने जो सब्सक्रिप्शन की एफिशिएंसी है उसको बढ़ाते रहिए, हमें ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए, आपको इसी तरह की वीडियोस मिलेंगी. एंड पिछली वीडियोस को इतने व्यूज लाइक्स देने के लिए थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद. आप अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपनी प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट को भी बढ़ाते रहें. थैंक यू सो मच.